اللهم صل على سيدنا محمد. मैं तो हैरान होता हूं इस पे कि ये कजने शादी ब्याह के मौके पे लड़कियां डांस कैसे करती हैं मर्दों के सामने, कितना बुरा लगता है भाई. तू लड़कियां, जवान जवान लड़कियां, बाप भाई मौजूद हैं, वो नाच रही हैं, ये कोई कल्चर है? ये कौन सा कल्चर है भाई? ये तो जानवरों वाला कल्चर है. मुसलमानों का जो सही मजहब को फॉलो करते हैं उनके यहां कजने कजन से पर्दा करती हैं. बात आ रही है समझ में? मैंने जिस घराने में आंख खोली अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सब बहनें कजनों से पर्दा करती थीं, भाभियां देवरों से, एक ही घर में रहते हुए भी कोई एक दूसरे से फ्री नहीं होते. हालांकि एहतराम अपनी जगह, एहतराम भी है, इज्जत भी है, उनका ख्याल रखना भी है, मगर सामने बैठ के गप्पे लगाना, फ्री होना, ये तो. अब मैं जब घरों में लोगों के देखता हूं, यार कजनों से मुसाफा कर रहे हो, वो शादी में तुम्हारे सामने डांस है, उसके बाप को कुछ नहीं हो रहा, उस कजन को तो मजा आ रहा है कजन के सामने डांस करते हुए, लेकिन उसके अब्बा को क्या हो रहा है? वो यही सोच के सबर कर रहा है कि यार हम भी नाचे थे तो अब सबर करो बस. ये औलाद अपने बाप की इत्तिबा करेगी मां की. जब हया खत्म हो जाए तो फिर आप किसी के भी नहीं हो, फिर कोई खिदमत विदमत सब तबाह. लोग कहते ना बेटा काबू में नहीं है, बेटी काबू में नहीं. काबू में कहां से होगी? जब आपने उसको चमूनी आपा की शादी में नचा दिया तो अब बेटी आपके हाथ से गई. वो तो शर्म और हया होती है जब अब्बा सामने आए तो सर पे चादर ले ले. इस किस्म की बेटियां होती हैं जो अब्बा को क्या समझती हैं, अब्बा. जब आपने उसको नचा दिया शादी में तो अब आप कहो कि बेटी मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? नहीं सुनेगी, क्योंकि उसमें जो एक हया थी वो उस इतना कॉन्फिडेंस आपने उसके अंदर पैदा कर दिया, बोल्ड बना दिया कि अब वो आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करेगी. जब तक आप उसे रोटी खिलाओगे खाएगी. जिस दिन आपकी गुर्बत की वजह से रोटी का नागा हो गया तो वो आपकी आंखों में आंखें डाल के कहेगी कि जब खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया. बात आ रही है समझ में? जब खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया. और अगर तरबियत होगी तो कहेगी कोई बात नहीं अब्बा, सारी जिंदगी आपने खिलाया है, आज अगर एक रोटी का नागा हो गया तो कोई नहीं. सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाकया किताबों में लिखा है, लुकमान अलैहिस्सलाम का. ये किसी के गुलाम थे तो इनका मालिक इन पे बहुत सखावत करता था. तो एक दिन मालिक ने इनको ककड़ियां दी, जब इन्होंने खाई तो वो कड़वी थी लेकिन ये खा गए. मालिक ने एक ककड़ी चखी, ये क्या है यार यहां मुसलसल. मालिक ने एक ककड़ी जब चखी तो कड़वी थी. तो उसने कहा लुकमान अलैहिस्सलाम से कि तुम ये कड़वी ककड़ी कैसे खा गए? कहते हैं सारी जिंदगी आपने मीठी ककड़ियां खिलाई हैं, आज जब मुंह में कड़वी गई तो मुझे शर्म आई ये कहते हुए कि ये क्या है कड़वी. मैंने कहा खा लो बस. ये शुक्र गुजार लोग होते हैं, शुक्र गुजार औलादे होती हैं. और आपको जो बोल फिल्म जो आई थी ना उसके डायलॉग, वो क्या सिखा रहे हैं आपको? बेटी बाप की आंखों में आंखें डाल के बोल रही है जब खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया. मैं उस बाप की जगह होता, मैं बोलता गलती से पैदा हो गई, अब आपके पास ऑप्शन है दुनिया से जाने का. भाई उस वक्त तो आपको पता नहीं था ना पैदा हो गए खुद ब खुद. अब तो आप माशाल्लाह ज़हीन हो, समझदार हो. अगर ये मिस्टेक मुझसे हुई है तो ये ऐसी मिस्टेक नहीं है कि जिसकी तलाफी ना हो सके. बेटा ये बंदूक है, ठा करके मारो, तकलीफ भी नहीं होगी. एक दफा जब भुजे में लगती ना वो एकदम से मर जाता है आदमी, वो तो जब तड़प तड़प के मरता है फिर तकलीफ होती है. ठा करो एकदम गायब, तो जहां से आई थी वहीं चली गई. क्या ख्याल है भाई? एक जवाब तो मैं उसको ये देता कि भाई ये मिस्टेक ऐसी है जो मुझसे हुई, लेकिन अब इसकी तलाफी हो सकती है. अगर आप मरने के लिए तैयार नहीं, इसका मतलब आप जिंदगी को नेमत समझती हो. अगरचे खाने को रोटी नहीं है फिर भी जिंदा रहने की कोशिश करना इसकी अलामत है कि जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है. गरीब आदमी भी जिंदा रहने की, वो कहते हैं मरने के लिए तैयार नहीं होता. ये जो खुदकुशियां करते हैं तो बेवकूफ होते हैं, ये तो वक्ती तौर पर जज्बात का शिकार होते हैं. वरना जब तभी जो खुदकुशी करते हुए बच जाए ना, वो दोबारा कोशिश नहीं करता. हकीकत है, हो गया यार वैसे ही ठीक था भाई. मैंने कई केसेस इस तरह के सुने हैं और देखे भी हैं कि खुद बच गए तो वैसे ही ठीक है, अच्छा हुआ नहीं मरे. वो तो जज्बात में आकर तो पागल हो जाता है ना. तो पहला जवाब मैं उसको ये देता कि भाई ये मिस्टेक मुझसे हो गई कि मेरी तनख्वाह कम थी और बेटा आप पैदा हो गई हैं, तो अब ये इसकी तलाफी हो सकती है, ठा करके खत्म कर दें अपने आप को. दूसरा मैं ये कहता कि अगर खाया नहीं है तो इतनी बड़ी कैसे हो गई है भाई, खाया नहीं है तो इतनी बड़ी कैसे हो गई.
تیسرا میں یہ کہتا کہ بیٹا آپ کو صرف ضرورت کا نہیں ملا، ضرورت سے زیادہ ملا ہے، کیونکہ جس کو ضرورت کے نوالے ملتے ہیں وہ اتنی باتیں نہیں کرتا. یہ تو جب بہت زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا، بہت طبیعت سے کھایا ہوتا ہے، پھر باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس قسم کے تانے دیے جاتے ہیں. تو آپ کو بہت زیادہ ملا ہے، اتنا ملنا نہیں چاہیے، تھوڑا تھوڑا رہتا تو سیٹ اپ صحیح چلتا رہتا، آپ کو بہت زیادہ کھلا دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے بول فلم جنہوں نے بنائی ہے نا، ان سے کہیں کہ مجھ سے ذرا دوبارہ رابطہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو ایک میسج دیا گیا ہے کہ اسی میسج کو لوگوں میں پھیلانا ہے. یہ قوم کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے، ان کو چینل کو ایک ہدف دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ سیدھا ہے غلط ہے، اس ہدف کو آپ نے اچیو کرنا ہے، بس اس ہدف تک پہنچنا ہے، اسی حساب سے ڈرامے بنانے، اسی حساب سے، کیونکہ نسل روکنی ہے. اب اس کے لیبل مختلف قسم کے لگائے جائیں گے، تو یہ مقصد آپ کی خیر خواہی نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تبھی آپ دیکھ لو پھر ان کے حالات کیا ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کی تربیت، تو تربیت کیا ہوتی ہے ان لوگوں کی؟ ان کی تربیت دیکھ لو. ہم نے تو بہت سے دیکھا ہے لوگوں کو، کھانے کو گھر میں روٹی نہیں ہے مگر بیٹا باپ کا احترام کرتا ہے، اور بڑے بڑے مالداروں کے گھروں میں دیکھا ہے باپ نے پوری دنیا کی دولت نشاور کر دی بیٹے پر، مگر بیٹا باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ شکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے بھی کیسز آئے ہیں، ٹائم نہیں ہے، ابا کا جنازہ پڑا ہوا ہے میں، پر ٹائم نہیں ہے، جا رہا ہوں میں، اس طرح بھی کیسز آ رہے ہیں سامنے. تو یہ تو انتہا ہے، لیکن جاؤ اسی طرف رہے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/MuftiTariqMasood کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.